आपकी स्क्रीन पर यह वीडियो किसी नेता के पीछे भागते हुए जनता की नहीं है, बल्कि शाम को घरों में दो वक्त की रोटी बन जाए उसके लिए है। यह शख्स किसी नेता किसी सेलिब्रिटी के पीछे नहीं भाग रहे, बल्कि सिर्फ एक आटे के कट्टे के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान की, जहाँ पर आटे को लेकर महामारी मची हुई है, जहाँ आटा सोने के भाव बिक रहा है, जनता सड़कों पर है और जनता गुहार लगा रही है पाकिस्तान के वजीर आलम शहबाज शरीफ से। पाकिस्तान वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है, कश्मीर लेने की बात करता है, लेकिन अपनी आवाम की क्या हालत है जरा आप भी देखिए। इन वीडियो को देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान आतंकवाद तो पाल सकता है, लेकिन अपनी आवाम की जनता को नहीं पाल सकता। पाकिस्तान इस समय गेहूं की भारी कमी से जूझ रहा है, इसकी वजह से जगह जगह पर आटे के लिए मारपीट हो रही है। कहीं पर आटा नहीं है तो कहीं इसका दाम आसमान छू रहा है। आटे के दाम इस कदर बढ़ गए हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुका है। दुनिया भर से मदद की अपील कर रहे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को भी नहीं मालूम है कि आखिर इस मुश्किल से कैसे निपटा जाए। आटा जो सबसे अहम खाद्य पदार्थ है, अगर वही नहीं मिल पा रहा है तो आप खुद ही देश की बुरी स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो इस मुल्क को इस किल्लत से दो चार होना पड़ा है। पाकिस्तान के कराची में एक किलो आटा इस समय 140 से 160 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। इस्लामाबाद और पेशावर में 10 किलो की बोरी 1500 और 20 किलो की बोरी 2800 रुपए में बिक रही है। पंजाब प्रांत की अगर बात करें तो यहाँ पर मिल मालिक 160 रुपए प्रति किलो की दर से आटा बेच रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 20 किलो के आटे की बोरी 3100 रुपए में है। सरकार की तरफ से कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सभी प्रयास फेल हो गए हैं। आटे की कमी की वजह से अब लोगों के बीच मारपीट तक होने लगी है। लोग रोजाना 10 घंटे तक लाइन में लगे हैं, तब जाकर उन्हें आटा नसीब हो रहा है। गेहूं की सबसे ज्यादा कमी पंजाब और आसपास के प्रांत में है। इस संकट के लिए लोग शहबाज और उनकी सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। विशेषज्ञ की माने तो पीएम शहबाज के मंत्री इस बात का अनुमान ही नहीं लगा सके कि आखिर कितना गेहूं निर्यात करना है। गलत अनुमान के आधार पर गेहूं का निर्यात किया गया और आज नौबत यहां तक आ गई। अब देखना होगा कश्मीर की बात करने वाला अपने घर के हालात कब तक सुधारता है। आप भी इस वीडियो पर अपनी राय दीजिए और बने रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। गेट बंद कर।